अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरा वाई वाई स्टार्ट होने वाला है अभी कुछ देर में। ओवर एक्टिंग तो नहीं कर सकता, ओह मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढिमकाना, क्योंकि सबको पता है इतना ज्यादा कोई हेक्टिक नहीं है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं होगा। टीचर्स भी अपने तरफ से थोड़ा सहूलियत देंगे। कल मैं पूरा दिन गाँव पे रह गया, व्लॉग वगैरह करा, एडिट किया, रात में चार पाँच घंटे लगे वीडियो को एडिट करने में, फिर मैं अपलोड किया, देखो कैसा जाता है। अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। अच्छा जाए भाई, ना मार्क्स बिगड़ जाएंगे क्योंकि फाइनल ईयर है, अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा वाइवा। ये मेरे जूते, मैंने इनको अपने हाथों से धुलकर टांग दिया, टांग नहीं दिया, रख दिया हुआ है सूखने के लिए, बहुत गंदे हो गए थे। सूख चुका है, इसको हटा ही देता हूँ अब। सर हैज़ नॉट परमिटेड मी टू पोस्ट द वाइवा ऑनलाइन, सो आई थिंक इट्स नॉट ऑल राइट टू डू टू गो अगेंस्ट हिज कमांड्स, सो इंशाल्लाह आई विल नॉट पोस्ट इट। आगे पीछे का पोस्ट कर देगा, मगर सर ने क्या पूछा वो नहीं पोस्ट करेगा। हेलो, ये अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, यस सर, आई कैन हियर यू सर। मे बी द कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द परसेप्शन ऑफ कॉमन ह्यूमन माइंड दैट इन अ वॉर जोन ऑन अ बैटल फील्ड अ सोल्जर कैरीज अ चॉकलेट इन हिज पॉकेट विच इज अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। जी बी शॉ इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल अबाउट लव लाइफ। ही इज ऑफ द व्यू दैट लव इज नॉट अबाउट रोमांस। इन 19th सेंचुरी लव वॉज ऑल अबाउट marrying a good person with good fortune. Chris stands against his father saying that what you did was wrong, which was very extraordinary in that age, because in our age also we stand by our parents whatever evil they do, we praise them. He's my father, he can't do anything wrong. So Arthur Miller tries to showcase that no, what is wrong, you should stand against it, and it is also endorsed in the Quran. In the Quran Allah says, O you who believe, stand for the justice even it is against you, your parents, your kith, your kin, your status, poor, rich, anyone, you should stand for the justice. And this is what Arthur Miller has illustrated in his प्ले। अल्हम्दुलिल्लाह वाइवा वेंट सो वेल, बहुत अच्छा गया। मैंने पूरा वाइवा रिकॉर्ड किया हुआ था, मैं सोचा उसको व्लॉग में उसमें से क्लिप्स काट के डाल दूंगा, बट यू नो व्हाट, अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं कि जब किसी चीज पर तुम टकराओ जो कुरान में और सुन्नत में ना मिलती हो, बस आपस में जब इख्तलाफ हो ना, तो उसके पास जाओ जिसके पास इल्म हो, इल्म वाले के पास जाओ, वो हिकमत वाले जवाब देगा। और आज जो मैंने फिर से प्रैक्टिकली देखा, मैंने बहुत बार देखा, फिर से आज देखा, मेरे जो टीचर है उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, क्या मैं उसको डाल सकता हूँ। उन्होंने बोला पर्सनली तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज को शेयर करने से, बट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स और मतलब एग्जाम्स के रूल, टीचर स्टूडेंट के बीच में जो वार्तालाप, जो बातचीत हो रही है, वो हम ऑनलाइन शेयर करें वो चीज़ सही नहीं, उससे फितना फैलेगा। वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल जवाब था। उस वक्त मैंने मतलब दिमाग में भी नहीं आया होगा कि इस तरीके से भी कुछ सोच सकता है। सर ने वो जो उसके रीजंस दिए थे ना डालने के, बहुत सही थे। अब एक आम आदमी तो भाई तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, मैंने डाल दिया, मेरा पर्सनल वाइवा था, क्या किसी को फर्क पड़ता, मैं अपने ब्लॉग में डाल रहा हूँ। ये भी तो देखने वाली बात है कि उसको देखकर फिर आगे क्या मैसेज आएगा, फिर और लोग भी वही काम करना शुरू करेंगे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, सब पोस्ट करके डालेगा और वाइवा सबके लिए मजाक बन जाएगा, एग्जाम के लिए कुछ सह नहीं पाएगा। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, उसमें से छोटी क्लिप्स डालूंगा जिनमें मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें मैं जवाब दे रहा हूँ। सर का एक भी क्लिप नहीं डालने वाला, सर का कोई भी आवाज नहीं डालने वाला, क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर हक रखता हूँ, मैं अपनी बात पर हक रखता हूँ, हक तो अल्लाह रखता है मुझ पर, मगर मेरे रिलेटेड चीज़ों में मैं अपना उस पर हक रख सकता हूँ। मेरी आवाज़ थी, मैंने आंसर दिया है, सिर्फ उतना चीज़ मैं शेयर कर दूंगा, सर का कोई भी पार्ट नहीं शेयर करूंगा, ना क्वेश्चन शेयर करूंगा, क्या सर ने पूछा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना मैंने जवाब जो दिया उसमें से थोड़ी चीज़ें बस। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई विल ट्राई टू शेयर बट केयरफुली। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अभी मेरे दिमाग में है, टीचरों को ना ये चीज मस्ट कर देनी चाहिए कि तुम लोग जो लोग वाइवा दे रहे हो सब लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, सब अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और हमको भेजो ताकि हम चेक करें तुम कहीं इधर उधर से कॉपी तो नहीं कर रहे हो। ऐसा आइडिया दिया, आज सारे मुझे गाली देंगे, सारे स्टूडेंट्स मुझे गालियां देंगे। मतलब एक सजेशन है, ऐसा करना चाहिए, इससे पता चले कहां कौन कॉपी कर रहा है, कौन खुद से आंसर दे रहा है। कल जब से गांव से आया हूँ, गाड़ी की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी गंदी हो चुकी है, इसको धुलवाना पड़ेगा। ये पूरा पूरा मिट्टी मिट्टी, आगे पीछे जहाँ नज़र घुमाओ मिट्टी, और मिट्टी से ज़्यादा है। ये जो चिड़िया ने घोंसला बनाया था, इसमें अभी छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके हैं। मज़े की ज़िंदगी है भाई। खैर अभी चलता हूँ मैं बाहर, थोड़ा काम है। यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर दिए? We have to go there. जन में 7 लोग आए, चाहे इंडिया में 125 करोड़ लोग रहे, तुमको क्या, चलो गाड़ी चलाओ। Guys, आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। Push up. Oh my God.
ये लॉकडाउन खत्म क्या हुआ, भीड़ ही भीड़ हो गई है। घबराइए नहीं, ये फ्रिज वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसमें से बाजार का सामान ला ला के स्टोर करते हैं बस। अभी हम लोग इधर इस रास्ते से गुजर रहे थे, इधर अगल बगल राप्ती नदी भी है, बहुत अच्छा व्यू है, सूरज आ रही है, एकदम सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा व्यू है, खास करके नजारे आप देख सकते हैं, एकदम खूबसूरत सा नजारा। मगर अब मुझे ये बताइए, ये बनाने का रीजन क्या हो सकता है भाई, इस बीच खोपचे में यहाँ पे ये कुत्ता भी क्वेश्चन कर रहा है क्यों। ये चीज शायद मैंने 10th में जब हम लोग आए थे एक बार तब भी देखी थी और अभी तक है ये भाई। अंबुजे सीमेंट से बना है पक्का। भैया ये चप्पल मिटती क्यों नहीं है, मिटेगी कैसे, सोलिया चप्पल से जो बनी है। 4 दिन लगातार मैंने ब्लॉग्स दिए हैं, तो उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, जहां शेयर कर सकते हो वहां करो। जाने दो 2000 सब्सक्राइबर जून खत्म होने से पहले। अभी मुझे एक वीडियो याद आ गई है जो बहुत वायरल जा रही है एमयू की है, वो मैं राहुल को दिखाऊंगा और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्लास में आया भूत टीचर के। ये वीडियो शायद एमयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का है। असल में ट्विटर पे हैशटैग चल रहा था कि कैंसल एग्जाम से नहीं एमयू करके, वाइवा वगैरह कैंसिल कराने का, तो हुआ नहीं, वाइवा चल रहा तो लोग घुन्नस निकाल रहे हैं, तो ये गलत है वैसे यार, टीचरों की क्या गलती है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। अब मैं ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है भाई, अब्दुल्ला? पता नहीं सर, नाम तो अजीब सा। क्लास में आया भूत टीचर के।